हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और आज मैं आपको दिल्ली के कृष्णा नगर की रियल क्वार्टर मार्केट को अपने साथ विज़िट करवा रही हूँ। तो शुरुआत की हमने सबसे पहले जुझार को गोलगप्पे खिलाने से। उसको बक्के बहुत पसंद हैं, तो उसको हमेशा गोलगप्पे खाने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। बट अब वो नई चीज़ सीख गया, कहता है बक्के आप पे खाने हैं, आप पे। और नेक्स्ट हमने ये कुमार वड़ा पाव का वड़ा पाव और दाबेली ट्राई करी, जिसका टेस्ट ऑसम है। पूरी मार्केट में आपको ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा। आपको एग्जैक्ट अगर बॉम्बे वाला स्वाद चाहिए, बॉम्बे वाला टेस्ट चाहिए वड़ा पाव में या दाबेली में, तो कुमार वड़ा पाव इज़ द बेस्ट प्लेस। बहुत अच्छा है इनका। वैसे मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा, बट मैंने भी थोड़ा थोड़ा करके ट्राई किया और थोड़ा थोड़ा ही खाया, क्योंकि मुझे कैलोरीज का बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि मैं कहीं एक्स्ट्रा कैलोरीज ना खा लूँ। तो ये अब मैंने थोड़ी सी दाबेली ट्राई करी यहाँ की, और बहुत चीप एंड बेस्ट, सबसे बढ़िया है कुमार वड़ा पाव। आप भी अगर इस मार्केट को विज़िट करने आ रहे हैं तो ज़रूर खा के जाइएगा। उसके बाद पेट पूजा करने के बाद अब हमने थोड़ी सी मार्केट में शॉपिंग की। कुछ यहाँ आपको डेनिम्स के ओपन मार्केट में बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ज़ारा के ड्यूप्स यहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल थे और जगह जगह अवेलेबल थे, तो मैंने भी यहाँ पे देख रही थी कि क्या क्या कुछ मेरे साइज़ का क्या अवेलेबल है। टॉप्स की, डेनिम्स की, लॉन्ग ड्रेसेस की वैरायटी बहुत अच्छी थी यहाँ पर। कार्गो पैंट्स के बहुत अच्छे ऑप्शंस थे यहाँ पर। और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ ओवरसाइज टी शर्ट्स मैंने देखी, कुछ मैंने यहाँ टॉप्स फाइंड आउट किए। टॉप की कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी, इवन जो स्लिम गर्ल्स हैं उनके लिए तो बहुत वैरायटी है। फिर जुझार ने तंग किया, तो हम यहाँ से उसके लिए हमने टॉयज़ खरीदे, सॉफ्ट टॉयज़ खरीदे। यहाँ पर बहुत अच्छे सॉफ्ट टॉयज़ के ऑप्शन थे। अगर आप अपने किड्स के साथ आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा ऐसी शॉप से दूर लेकर चलिएगा। अब मैंने यहाँ से फुटवेयर बाय किए। यहाँ बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी फुटवेयर्स की, आपको इस स्टाइल में, कोल्हापुरी स्टाइल में और ये जूती स्टाइल में बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये घुंघरू स्टाइल में आजकल न्यू ट्रेंडी जूतीज आई हैं, ओपन जूतीज, बहुत ही ट्रेंडी हैं, बहुत ही क्लासी हैं। कलर ऑप्शन भी इसमें आपको बहुत सारे अवेलेबल होंगे। तो आप यहाँ से, मैंने अब आगे जाके ड्रेसेस कुछ फाइंड आउट की। यहाँ लॉन्ग ड्रेसेस थी इन जस्ट इन 250 or 300 रुपीज़। तो सिंगल टाइम वेयर करने के लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, क्योंकि गर्ल्स का जो रहता है सीन कि दोबारा नहीं वेयर करना, पिक्स डल जाती हैं तो वो दोबारा वेयर नहीं करती है। तो यहाँ से आप 300, 350, 250 की रेंज में काफ़ी अच्छी कलेक्शन आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं और पहन सकते हैं। तो इसके आगे अब हम गए मार्केट विज़िट करते करते वॉच की शॉप पर, जहाँ से मैंने जुझार के लिए स्मार्ट वॉच ली लोकल सी, जिसको सिर्फ उसको पहनना था और कुछ नहीं करना था, सिर्फ खेलने के पर्पस से उसको चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर वॉचेस के साथ साथ सनग्लासेस के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस थे, शेड्स के ऑप्शंस बहुत अवेलेबल थे यहाँ पर। तो मैंने खुद भी ट्राई किए यहाँ पर, बट मुझे एज सच कोई इतना अच्छा लगा नहीं कि मैं जिसको बाय कर पाऊँ। ये पूरा मार्केट का एरिया है जहाँ आपको और भी बहुत अच्छी कलेक्शन मिल जाएगी। तो ये मैं अपने लिए भी शेड्स ट्राई करे थे, बट मुझे कोई इतना अच्छा लगा नहीं जिसको मुझे लेने के लिए मन कर जाए। तो सिर्फ मैंने यहाँ से जुझार के लिए वॉच ही परचेज़ की, और कुछ मैंने यहाँ से नहीं परचेज़ किया। और आगे गई तो मुझे यहाँ पर सूट्स की काफ़ी अच्छी कलेक्शन दिखी। ये 3-piece सेट रेडी सूट्स हैं, सूट प्लाजो विद दुपट्टा इन जस्ट इन 750 रुपीज़। तो यहाँ बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रिंट्स अवेलेबल थे इन सूट्स में। तो आप ले सकते हैं यहाँ से शॉप, और बार्गेनिंग तो इस मार्केट में बहुत अच्छी है। आपको अगर बार्गेनिंग करनी आती है तो आप ज़रूर इस मार्केट में विज़िट कीजिएगा। और याद रखिएगा कि यहाँ जो भी वो रेट्स बताते हैं वो बहुत एक्स्ट्रा बताते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होनी चाहिए और वो कितने में सेल कर रहे हैं। तो ये जैसे आप देख रहे हैं सारे प्रिंट्स, अलग अलग कलर, समर कलेक्शन बहुत अच्छा आया हुआ है कॉटन वेयर में, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। कुछ मैंने लखनवी स्टाइल कुर्तीज़ देखी यहाँ पर, ये 750 की रेंज में बहुत अच्छी कुर्तीज़ थी और बहुत अच्छे कलर्स प्रिंट्स, तो आपको पता है ऑलमोस्ट लखनवी के सेम ही रहते हैं। तो ये कलेक्शन भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप प्लाज़ो के साथ या पैंट के साथ समर में वियर कर सकते हैं इसको। तो मैंने यहाँ से ये ग्रीन वाली और एक ये पीछे मस्टर्ड वाली कुर्ती दोनों परचेज़ की हैं, जो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं।
एट लास्ट मैंने ये ज्वेलरी और नेकलेस सेक्शन ट्राई किया। यहाँ पर भी 150-200 की रेंज में काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। एयररिंग्स का भी कलेक्शन यहाँ पर बहुत अच्छा था, पर्ल सेट बहुत अच्छे थे। और लास्ट में ये एयररिंग्स के सेक्शन पर मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय, टिल देन टेक केयर। बार्गेनिंग